News 18, India. ये भी एयरफोर्स का एक कंट्रोल रूम होता है और ये मैं बताना चाहूंगा जो हमारे न्यूज 18 इंडिया के दर्शक हैं कि जब फ्लाईपास्ट होता है तो एयरफोर्स के अधिकारी हमारे साथ होते हैं और राष्ट्रपति भवन की तरफ से जब फ्लाईपास्ट शुरू होता है और विभिन्न फॉर्मेशंस आती हैं तो वो हमें बता देते थे कि 15 सेकंड या 17 सेकंड्स, क्योंकि जब सलामी मंच के ऊपर से विमान, क्योंकि आवाज पहले आती है जी और आपको विमान दिखाई बाद में देता है, बिल्कुल, तो हमें पहले इसलिए बोलना होता था ताकि लोग अब उस तरफ देखना शुरू कर दें और जैसे हमारी बात खत्म होती थी और सीधा ऊपर से निकल गए। आई कैन सो रिलेट टू इट प्रदीप जी, मुझे पता है मतलब, और अब आप जो है दाई दिशा में देखना शुरू कर दीजिए यहाँ से शुरू, और हम लोग सिर्फ आसमान में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है भाई, इनको कैसे दिख गया है, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो अद्भुत रहने वाला है ये पूरा का पूरा सिलसिला प्रदीप जी, लेकिन ये जो पहली बार हो रहा है कि सारी महिलाएं जो हैं वो शुरुआत करेंगी मार्च पास की, वो कैसे होगा? 112 महिलाएं बताई जा रही हैं, क्या होगा, कैसे शुरुआत होगी? देखिए मुझे लगता है कि जब ये शुरुआत होगी तो उस पर हम विस्तृत जानकारी दें, नहीं तो कहते हैं ना कि वो उसका वो आनंद रह जाता है। अच्छा। लेकिन इतना जरूर है कि विभिन्न जो हमारे साज हैं, वाद्य यंत्र हैं, वो उनके साथ होंगे और वाकई एक अनुपम छटा आपको देखने को मिलेगी कर्तव्य पथ। अच्छा, जो दर्शक न्यूज 18 इंडिया के इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको तैयारी क्या कर लेनी चाहिए, कब एक्चुअली प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा? जैसा प्रियंका इशारा कर रही थी, क्या ऐसा होता है कि थोड़ा डिले भी कर दिया जाता है, पोस्टपोन भी कर दिया जाता है? जी नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं कि आजादी की अपनी एक लंबी लड़ाई के उपरांत स्वतंत्र भारत में अपना स्वयं का संविधान लागू किया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़े संविधान में से एक है और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधानविदों और विशेषज्ञों के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया पिछले 74 वर्षों से, या भारत के अंदर जाति, मत, संप्रदाय, क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। ये भारत के संविधान की ही महानता है कि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले तमाम देश जो अपने को आज की व्यवस्था के अनुसार सबसे प्रगतिशील मानते हैं, उन देशों ने लंबे समय तक लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया था। तमाम दबी कुचली परंपराओं को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग किया था, लेकिन भारत दुनिया का वह देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि भारत के अंदर लिंग के आधार पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और भारत के हर वयस्क मतदाता को अपना मताधिकार करने, भारत के अंदर एक सरकार बनाने के लिए पूरा अधिकार दिया। ये भारत के संविधान के कारण भारत का हर नागरिक आज देश की सरकार को बनाने में उसका हिस्सेदार बना हुआ है। हमारा संविधान अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है।
और इसीलिए उन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अगर इस संविधान हमें अधिकार देता है तो हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हम सबको आग्रही बनाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का इसी बात के लिए आह्वान किया कि जब ये देश 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो अमृत महोत्सव वर्ष में उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था कि आगामी 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। इन 25 वर्षों में हम कैसा भारत चाहते हैं यह हम सबके संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने के इन 25 वर्षों में अगर हम सब अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो 2047 आने पर भारत दुनिया के एक विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा होगा जहां पर हर भारतवासी न केवल अपने देश और अपनी प्राचीन विरासत पर गौरव की अनुभूति कर पाएगा बल्कि वह अपनी वर्तमान को सुखद और सुंदर बनाने के साथ ही अपने भविष्य को भी उतना ही उज्जवल बनाने के प्रति पूरी तरह आश्वासित होगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो संकल्प था आज यह वर्ष देश की संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव है। इस अमृत महोत्सव वर्ष पर जब देश का संविधान लागू हुआ था हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान हमें एक ही बात के लिए आग्रही बनाता है कि हम सबका जो भी कार्य हो वह देश के लिए हो, हर काम देश के नाम। अगर हम देश के प्रति अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपरांत आज हमें भारत के संविधान को लागू करने के अमृत महोत्सव वर्ष में भी सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो देश की संविधान की रक्षा और संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके हम लोग अपनी आजादी को भी अछूने बनाए रख सकते हैं और भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में अपना योगदान किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला आजादी का आंदोलन और आजादी के बाद जब यह देश अपने संविधान निर्माण के लिए आगे बढ़ा था जो एक नाम सबके मुंह पर आया था, सर्वमान्य मति से जिन्होंने उस नाम का चयन किया था वह नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। राजेंद्र प्रसाद जी ने देश के संविधान को सभी संविधानविदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर के जो स्वरूप प्रदान करने में और उसकी विभिन्न बैठकों में तमाम प्रकार की मतभिन्नता के बावजूद सर्वानुमति बनाने का प्रयास किया वह अभिनंदनीय रहा और उन सभी विशेषज्ञों के अनुसार भारत के संविधान को लिपिबद्ध करके उसकी ड्राफ्ट तैयार करके वर्तमान स्वरूप में देने का श्रेय भारत के उस महान सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों को दिया जाता है और इन महापुरुषों ने जिस तत्परता के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया वह हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने अपना सर्वस्व देश की आजादी के लिए समर्पित किया, उन महान संविधानविदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस अवसर पर नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी हृदय से बधाई देता हूं।
अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।